हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज क्लास 8 के एक्सरसाइज 6.3 और इस पार्ट में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। इससे पहले के सभी पार्ट्स जिस भी बच्चे ने अभी तक नहीं देखे हैं, कृपया पहले वो पार्ट्स देखिए, है ना, उसी के बाद आपको ये क्लियर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोला है, देखिए जरा। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें यहाँ पर एक नंबर दिया जाएगा और हमें फाइंड करना है कि वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा जिससे डिवाइड करने के बाद ये जो नंबर दिया गया है 252, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और जब परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा डिवाइड करने के बाद, तो जो नंबर मिलेगा उसका स्क्वायर रूट भी हमें फाइंड करना है। अगर आपको याद है, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहे थे बच्चों, कि एक नंबर दिया जाता था उसमें हम स्मॉलेस्ट नंबर एक फाइंड करते थे जिससे मल्टीप्लाई करने पर, है ना, मल्टीप्लाई करने पर हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलता था और फिर उस नंबर का हम स्क्वायर रूट निकालते थे। तो वहाँ पर मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पर हमें डिवाइड करना है, बस इतना सा ही अंतर है, बाकी सेम मेथड रहेगी। तो आइए जरा क्वेश्चन नंबर 1 को पहले डिस्कस करते हैं कि कैसे हमें इस नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसके डिवाइड से ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले तो हम देखेंगे ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो 252, तो पहले क्या निकालते हैं, आपको याद होगा प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 2 1 2 2 2 4 और 2 6 12, फिर 2 से 2 6 12, 2 3 6, फिर यहाँ पर 2 से नहीं होगा तो किससे करेंगे, 3 से 3 2 6, 3 1 3, फिर से 3 से हो जाएगा, 3 7 7 बन जा। तो ये प्राइम फैक्टर्स हमें मिले। अब इसको हम यहाँ पर राइट करते हैं, 250 के कौन कौन से फैक्टर हमें मिले हैं, 2 × 2, 3 × 3 एंड इंटू 7, यही सब फैक्टर्स हैं। अब यहाँ हम क्या करते थे, पेयरिंग करते थे, अगर आपको याद है तो 2 का एक पेयर बन जाएगा, वैसे ही 3 का भी एक पेयर हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो 252 इज इक्वल्स टू, जो भी पेयर बने हैं उनमें से एक एक नंबर को फाइंड कर लीजिए, या फिर इसको यहीं पर हम देख सकते हैं कि 252 के जो पेयर बन रहे हैं उनमें 2 का भी पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, लेकिन 7 का पेयर नहीं बन रहा। अब अगर मल्टीप्लाई करने को बोला होता तो बच्चों जो 7 का पेयर नहीं बना उसमें हम 7 का मल्टीप्लाई कर देते तो हमें इसका भी पेयर मिल जाता और हम इसका इजीली स्क्वायर निकाल सकते थे और स्क्वायर रूट उसका फाइंड कर लेते। लेकिन हमें क्या बोला है, स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है। अब एक बात सोचिए जरा, अगर इसका पेयर नहीं बना है तो मैं इसी को डिवाइड कर देता हूँ इसी के नंबर से, तो ये पूरा हट जाएगा, तो मुझे मेरे पास 2 पेयर वाले नंबर बचेंगे। ठीक है, 2 पेयर वाले नंबर बचेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो हम किससे, जिस नंबर का पेयर नहीं बनेगा उसी से डिवाइड करना है। तो हम क्या लिखते थे, 7 इज नॉट इन पेयर, सो 252 इज नॉट अ, 7 इज नॉट इन पेयर, सो 252 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 252 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 7 से ही करना पड़ेगा। हेंस बाय डिवाइडिंग, हेंस डिवाइडिंग विद या डिवाइडिंग बाय 7, और ये दोनों ही साइड आपको डिवाइड करना है, जो भी आपका स्मॉलेस्ट नंबर आएगा, जैसे कि यहाँ पर 7 का पेयर नहीं बना तो दोनों ही साइड आपको डिवाइड करना है। तो डिवाइडिंग बाय 7 बोथ साइड, 252 को भी 7 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि इसका पेयर नहीं बना था, और इस पूरे नंबर को भी आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 × 2, 3 × 3 × 7, और इसको भी आप किससे कर दीजिए, 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर जरा करिए, 7 1 7, 7 3 21, 4 बचेगा तो 42 हो जाएगा, 7 6 42, यानी कि मुझे यहाँ नंबर क्या मिल रहा है, 36 मिल रहा है, और यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल, तो मेरे पास क्या बच रहा है, देखिए जरा, 2 और 3 बच रहे हैं, और 2 और 3 ऑलरेडी पेयर में है, तो मैं क्या करूँगा, 2 × 3 को
होल स्क्वायर में लिख दूंगा, भाई टू का भी पेयर है थ्री का भी पेयर है, तो टू इंटू थ्री को होल स्क्वायर लिख दूंगा। अब आपको मालूम है यहाँ से स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ हम क्या लगा देते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं। तो ये अब क्वेश्चन, अब मैं इसके यहाँ यहाँ लिख रहा हूँ आगे, तो 36 के ऊपर क्या जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, और इस तरफ क्या बचेगा, 2 इंटू 3 बचेगा। तो 36 अंडर रूट 36 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, मींस 36 का स्क्वायर रूट क्या है, 6। तो देखिए इसमें हमारा आंसर क्या बन गया, वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना था जिसके डिवाइड करने के बाद ये जो नंबर है ये क्या हो जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमने फाइंड कर लिया, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 7 है, स्मॉलेस्ट नंबर है 7। तो एक तो आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर क्या हो जाएगा उसका स्क्वायर रूट कितना है, 6। तो स्क्वायर रूट ऑफ 36, स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितना जाता है, 6 आ जाता है। तो ये आपके यहाँ पर आंसर्स हो जाएंगे 7 और 6 कि वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 7 है, जिसके डिवाइड करने से ये जो नंबर दिया हुआ है 252 एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। और जब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है तो उसका स्क्वायर रूट क्या है, उसका स्क्वायर रूट बच्चों क्या है, 6 है। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही करना है, बस वहां पर मल्टीप्लाई कर देते, यहां पर डिवाइड करना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमें नंबर दिया हुआ है 2925, तो 2925 हमारे पास अब नंबर है, इसमें भी हमें बिल्कुल सेम अप्रोच यहां पर अप्लाई करना है। तो चलिए जरा देखते हैं इसको, तो पहले मैं क्या निकालता हूं, प्राइम फैक्टर्स निकालता हूं। तो चलिए प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं पहले, तो 2925 हमारे पास नंबर है जिसके हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने। आपको मालूम है जब इवन डिजिट 5 हो तो हम किससे डिवाइड करते हैं, 5 से करते हैं, सॉरी जो यूनिट डिजिट होती है वो 5 हो तो हम किससे करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं। तो करिए जरा, 5 5 25, 4 तो 42, 5 8 40, 2 तो 25, तो 5 5 25। फिर यूनिट डिजिट 5 है तो फिर से 5 से कर दीजिए, 5 5 5 5 5 5, 3 बचा यहाँ पर तो 5 7 35। अब 117 आ गया, यूनिट डिजिट 7 है यानी कि ऑड नंबर है, तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो ऐड करके देख लीजिए, 7 और 1 8 और 1 9, 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 3 ज़ा 9, 2 तो 27 हो गया, 3 9 ज़ा 27, फिर से 3 से हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, अब तो सिर्फ 13 से ही हो सकता है ये, 13 1 ज़ा 13। तो मेरे पास 2925 जो नंबर है इसके प्राइम फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं, 5 × 5 × 3 × 3 × 13। तो बच्चों एक बन रहा है 5 का पेयर, एक बन रहा है 3 का पेयर, और एक 13 यहाँ पर सिंगल रह रहा है। तो आपको मालूम है यहाँ से 13 को जो सिंगल रहता है जिसका पेयर नहीं बनता उसी से डिवाइड करना होता है, और हम लिखते क्या है, 13 इज नॉट इन पेयर, इज नॉट इन पेयर, सो या हैंस दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये आप लिख लेना, उसके बाद वाई डिवाइडिंग विद, वाई डिवाइडिंग किससे, 13 से, और बोथ साइड करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, 13 से बोथ साइड डिवाइड कर लीजिए, तो 2925 को भी आपको किससे, 13 से डिवाइड करना है, और इस तरफ भी आपको 13 से डिवाइड करना है, तो 5 × 5 × 3 × 3 × 13, इस नंबर को भी आप किससे, 13 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ करें जरा, कर लीजिए, 13 1 ज़ा 13, यहाँ ऊपर 13 2 ज़ा 26 बचेगा 3, तो 32 हो जाएगा, 13 2 ज़ा 26, फिर कितना बचा बच्चों, 32 में से 26 गया तो 6 बचेगा जो कि 65 हो जाएगा, और 13 5 ज़ा 65, तो हमारा नंबर बन गया है 225, विच इज इक्वल्स टू किसके, भाई ये 13 से 13 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा मेरे पास, 5 का पेयर और 3 का पेयर, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से होल स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट 225 इज इक्वल्स टू कितना बचा यहाँ पर, 5 × 3 बचेगा, 5 × 3 बचेगा, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, 225 इज इक्वल्स टू 5 3 ज़ा 15। तो यहाँ पर आप समझ गए, 225 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है, वो स्क्वायर रूट है 15 का। तो हमारे पास दो आंसर आ गए, एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना था, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आ जाएगा बताइए, किससे डिवाइड किया था, 13 से, तो वो हो जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट नंबर 13, और स्क्वायर रूट वाला आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट वाला आंसर हो जाएगा आपका 15 की, 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों, 15 होता है। तो इस तरीके से आप इनको फाइंड कर सकते हैं।
है ना। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने ऐसे ही किया था और ये क्वेश्चन नंबर 6 में भी, बस वहां पर मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहां पर डिवाइड करना है और कोई भी फर्क यहां पर नहीं है। तो आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूं जिससे आपको ये और भी क्लियर हो जाए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4th में आपको करा रहा हूं 2645 क्वेश्चन नंबर 3 और रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो आप खुद से करके देखिएगा। इस क्वेश्चन को आपको मैं बता दे रहा हूं। तो हमें नंबर दिया है कौन सा, 2625। तो आइए जरा इसको हम बिल्कुल सेम मेथड यहाँ पर अप्लाई करके करते हैं। तो 2625 सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो 2645 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे बताइए। यूनिट डिजिट 5 दिख रहा है आपको, तो 5 से डिवाइड कर लीजिए। 5 5 ज़ा 25, तो 14 हो गया। 5 2 ज़ा 10, 4 5 9 ज़ा 45। यहाँ पर देखिए जरा 529 आ गया। क्या आ गया, 529 यहाँ पर आ गया। ऐड करके देखें जरा, 9 और 2 11 और 5 16। तो ये बच्चों 16 3 से डिवाइड नहीं होता। 7 से करके देखें, 7 7 जा तो 3 बचेगा, 39। 7 से नहीं होता तो 7 से भी नहीं जा रहा, 9 से भी नहीं होगा क्योंकि 3 से नहीं हुआ। तो इसके बाद 11 11 4 ज़ा 44, तो 11 से भी नहीं जा रहा। 13 से 13 4 ज़ा 52, लेकिन 9 फिर नहीं होगा। तो बच्चों ये नंबर अगर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये जो नंबर है ये किसका स्क्वायर है आप जरा पता करिए। ये नंबर किसका स्क्वायर है, 529 से आपको क्या लग रहा है। देखो 9 किसका होता है, 3 का होता है, और आपको मालूम है कि 25 का स्क्वायर तो आपको याद होगा कितना होता है, 625 होता है, बिल्कुल सही। और ये 625 से छोटा नंबर है, यानी कि 25 से किसी छोटे का ये स्क्वायर है, क्योंकि किसी भी नंबर से ये डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये अपने स्क्वायर वाले नंबर से, अपने स्क्वायर रूट वाले नंबर से ही डिवाइड होगा। तो 529 देखो 24 का नहीं हो सकता, क्योंकि 24 में 24 × 24 करोगे तो बेटा 4 4 ज़ा 16, यानी कि यूनिट डिजिट 6 आएगा, लेकिन इसमें तो 9 आ रहा है। तो 23 का हो सकता है, क्योंकि देखो 3 3 ज़ा 9, तो इसका भी यूनिट डिजिट 9 आता है और इसमें भी यूनिट डिजिट 9 है। तो 23 का ये स्क्वायर बिल्कुल हो सकता है। तो 23 से करके देखें, तो 23 से मैंने इसको किया, 23 2 ज़ा होता है 46, तो बचेगा 6, तो 69 हो जाएगा। और 23 3 ज़ा 69 होता है। तो देखिए 23 का ही ये स्क्वायर है, 23 का ही ये स्क्वायर है। तो ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ, ये डायरेक्ट किससे हो रहा है, 23 से ही हो रहा है, क्योंकि ये 23 से ही का ही स्क्वायर है। तो मुझे 2645 के प्राइम फैक्टर क्या क्या मिल गए बच्चों, 5 × 23 × 23। अब इसमें पेयर में कौन नहीं है, 5 नहीं है, तो क्या लिखेंगे, 5 is not in pair। ये तो आप समझ गए होंगे कैसे करना है, कि जो पेयर में नहीं है उसी से डिवाइड करना है। तो किससे डिवाइड करेंगे, 5 से ही डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडिंग बाय 5 बोथ साइड, है ना, दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो 5 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये अभी डिवाइड किया था, क्या आया था, 529 आया था कि नहीं, 529 आ जाएगा। और इस तरफ 5 से डिवाइड करोगे तो ये 5 हट जाएगा, तो बचेगा क्या, 23 × 23 बचेगा। तो 23 × 23 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 529 = 23 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो सामने क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो 529 = 23, तो हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है बच्चों, किससे डिवाइड किया है, 5 से डिवाइड किया है। तो स्मॉलेस्ट नंबर जिससे डिवाइड करने के बाद परफेक्ट स्क्वायर बन गया वो क्या है, 5 है ना। और स्क्वायर रूट क्या आया है, 23 आया है, कि 529 का स्क्वायर रूट क्या है, 23 है। तो आई होप आपको ये मेथड बिल्कुल अच्छे से आप समझ में आ गई होगी। और इस तरी इसके जो भी क्वेश्चंस बचे हैं वो बाकी आप सब कर सकते हैं। अगर अभी भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एट्थ ऑफ ए स्कूल डोनेटेड 2,401 rupees इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो देखिए बच्चों, इसमें हमें से क्या बोला जा रहा है कि एक स्कूल के द्वारा 2,401 rupees डोनेट किए गए, किसमें, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड में। अब
हर एक स्टूडेंट उतने ही रुपए डोनेट कर रहा है जितने की क्लास में स्टूडेंट हैं। जैसे कि आपकी क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो हर वो 40 बच्चों में हर बच्चा कितना डोनेट कर रहा है, 40 ही रुपए डोनेट कर रहा है ना। तो जितने बच्चे हैं उतने ही वो रुपए डोनेट कर रहा है। जैसे आपके में 30 बच्चे हैं तो हर एक बच्चा 30 रुपए डोनेट कर रहा है, 40 बच्चे हैं तो हर एक बच्चा 40 रुपए डोनेट कर रहा है। तो वैसे यहाँ पर ईच स्टूडेंट डोनेट्स एज मैनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो हमें क्लास के अंदर स्टूडेंट्स का नंबर ही यहाँ पर फाइंड करना है। तो आइए जरा देखिए इसको कैसे करेंगे। तो हमको मालूम है कि ईच स्टूडेंट्स डोनेट एज मैनी एज रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें पहले यहाँ पर मानना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स। हमने क्या मान लिया कि जो स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, वो एक्स हैं, ठीक है। अब जितने स्टूडेंट हैं उतने ही उन्होंने रुपी क्या किए हैं, डोनेट किए हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा। सो ईच स्टूडेंट डोनेट्स रुपीज कितने, एक्स, क्योंकि उन्होंने बोला था कि क्लास में जितने बच्चे हैं उतने ही उन्होंने रुपए डोनेट किए हैं। तो हमने मान लिया कि भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट भी एक्स हैं, और अगर एक्स ही हैं तो उन्होंने रुपए भी कितने, एक्स ही डोनेट किए होंगे, है ना। तो अब देखो, अब हमें स्टूडेंट भी पता लग गए और उन्होंने कितने रुपए किए थे वो भी पता लग गए। अब ये रुपए किसके बराबर दिए हैं, स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th ऑफ ए स्कूल डोनेट्स 2401 रुपीज इन ऑल। अब ये जो रुपीज हैं ये हमको बराबर दिए हैं किसके, इसके बराबर दिए हैं। तो बच्चों टोटल रुपीज की संख्या कैसे निकाली होगी इन सब का सम करके, अब हमें तो पता ही नहीं है कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। जैसे भाई मैं आपसे बोल देता कि आपकी क्लास में 5 बच्चे हैं और हर बच्चा 5 रुपए देता है, तो आप कैसे निकालोगे, 5 5 = 25, ऐसे नहीं निकालोगे। भाई आपकी क्लास में 5 बच्चे हैं और हर एक बच्चा कितना दे रहा है, 5 रुपए दे रहा है, तो कितने रुपए हो गए, तो आप 5 5 क्या करते कि सर 25 रुपीज़ हो गए, हमारी क्लास में 5 बच्चे हैं और हर बच्चे ने 5 रुपए दिए हैं तो 25 हो गए। तो हम यहाँ पर टोटल रुपए कैसे निकालेंगे, तो भाई टोटल रुपए कैसे निकालेंगे, टोटल रुपीज़ इंटू करके, तो एक्स का एक्स में इंटू होगा, तो बताइए कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक्स स्क्वायर रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। इतना रुपए हो गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर रुपए हो गया। अब ये एक्स स्क्वायर किसके बराबर दिया है आपको, एक स्कूल कितने डोनेट कर रहा है, 2401 इतने रुपए डोनेट कर रहा है, तो मतलब ये और ये बराबर होगा, आपस में इक्वल होगा, क्योंकि स्कूल के बच्चे इतने हैं 8th क्लास में और उन्होंने इतने रुपए डोनेट किए हैं, तो टोटल रुपीज़ ये आ गया। अब इसको नंबर में क्वेश्चन किसके बराबर दिया है, 2401 के बराबर दिया है। तो भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो एक्स स्क्वायर है वो किसके बराबर दिया है, वो 2401 के बराबर दिया हुआ है। आपको मालूम है यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या लगेगा, अंडर रूट, जो क्या जाएगा 2401 आ जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा 2401 आ जाएगा। अब इसका प्राइम फैक्टर आप निकाल सकते हैं, तो 2401 किससे डिवाइड होगा बताइए, किसका स्क्वायर है ये, देखो इसके बाद एक नंबर आता है 2500, किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 50 का होता है। देखो 5 से करोगे इसमें तो 5 5 = 25 500 बचता है, फिर 5 से करोगे तो 100 बचता है, फिर 5 से करोगे तो 20 बचता है, फिर 5 से करोगे तो 4 बचता है, और 4 किसका हो जाता है, 2 × 2 का। तो भाई ये किस किस का हो रहा है, देखो 5 5 5 5 = 25 और 2 = 50 का होता है, तो ये 50 से पहले वाला है, किस 50 से पहले वाला है, 50 से पहले क्या आता है आप खुद सोचिए, 49, तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 49 का हो जाएगा, ये 49 से होता है बच्चों, ये किससे होता है, 49 से होता है। चलिए इतने बड़ा अगर नंबर आपको दिमाग में ना आए तो छोटे नंबर से कर लीजिए, देखो 2 में नहीं होगा, यूनिट डिजिट 1 है, 3 से हो सकता है क्या, 2 4 6 और 1 7 नहीं हो सकता, तो 5 से भी नहीं हो सकता, 7 से कर लो भाई, 7 3 = 21, तो 3 बचा तो 30 हो गया, 7 4 = 28 बचा 2 तो 21 हो गया, फिर 7 3 = 21 3 = 30 7 4 = 2 = 7 3 = 21, फिर 7 से 7 4 = 6 = 7 9 = फिर 7 से 7 7 = फिर 7 से 7 बन जा। तो देखो 7 के यहाँ पर दो पेयर बन रहे हैं, तो x इज इक्वल्स टू क्या बन रहा है, 7 के दो पेयर्स बन रहे हैं, 7 7, तो यहाँ पर अंडर रूट क्या क्या आ गया आपका, 7 × 7 × 7 ×
सेवन। अब बच्चों दो पेयर बन रहे हैं, मतलब आप हर एक पेयर से एक सेवन को बाहर लिख सकते हैं। तो एक्स इक्वल्स टू, देखो सेवन का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है तो एक सेवन बाहर आ जाएगा, इसका भी सेवन का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है तो यहाँ से भी एक सेवन बाहर आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 49 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 49 आ जाएगी। मतलब क्या है इसका कि क्लास में कितने बच्चे हैं, 49 बच्चे हैं, और हर एक बच्चा कितने पैसे दे रहा है, 49 रुपये ही दे रहा है। तो क्लास में बच्चे भी 49 हैं और पैसे भी कितने दे रहा है, 49 ही वो मिला रहा है, रुपये भी वो 49 ही मिला रहा है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ईजी है ना, ईजी है ये क्वेश्चन। जितने स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट को एक्स मान लीजिए, उतने ही वो रुपये मिला रहा है तो वो भी एक्स हो जाएगा। तो अब टोटल रुपये हमको दिए हैं, टोटल रुपये निकालते कैसे हो आप, जैसे मैंने वहाँ पर 5x5 का एग्जांपल दिया था, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इसके बराबर हो गया। अब स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है, और आपको ये मालूम है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे स्क्वायर रूट निकालना है। तो 7 के दो पेयर बन गए तो एक एक 7 बाहर आ जाएगा जो कि 49 हो जाएगा। तो क्लास में बच्चों की संख्या कितनी है, 49 है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये पूरा समझ में आ गया है तो आप इसके बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रिपेयर कर लें, और जो भी डाउट है उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।